नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। झांसी में आम आदमी पार्टी झांसी के CYSS प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन साहू जी का आगमन हुआ, जो योगी सरकार के खिलाफ 10 दिनों की रोजगार गारंटी पदयात्रा प्रयागराज से लखनऊ पैदल सफलतापूर्वक पूर्ण की। सचिन साहू ने इस पदयात्रा में भरपूर सहयोग दिया है और युवाओं के लिए रोजगार दिलाने की आवाज़ उठाई। सचिन साहू ने कहा कि आम आदमी पार्टी युवाओं के लिए रोजगार गारंटी के लिए ऐसे आयोजन करती रहेगी और युवाओं के रोजगार गारंटी के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन साहू के स्वागत अभिनंदन प्रदेश सचिव अर्चना गुप्ता और जिलाध्यक्ष कैलाश कुशवाहा ने इलाही चौराहे पर किया। प्रदेश उपाध्यक्ष CYSS का स्वागत अभिनंदन आम आदमी पार्टी झांसी ने किया, जिसमें प्रदेश सचिव अधिवक्ता प्रकोष्ठ अनुराग मिश्रा, जिला संगठन अध्यक्ष अरशद खान, विधानसभा अध्यक्ष आशीष गुप्ता, सोशल मीडिया जिलाध्यक्ष अखिल रायकवार, नगर संगठन मंत्री वीरू वाल्मीकि, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष हबीब खान, भवजीत सिंह सरना, अनिल राजपूत, राहुल राजपूत सहित कई लोग उपस्थित रहे। सचिन साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्रसभा आम आदमी पार्टी। कितने दिन की पदयात्रा से लौटे हैं? हम सभी उत्तर प्रदेश के CYSS के कार्यकर्ता 10 दिन से निरंतर दिन रात पैदल चलकर ऐसी भीषण गर्मी में 200 किलोमीटर प्रयागराज के आजाद पार्क से कंटिन्यू 10 दिन की पैदल पदयात्रा लखनऊ में कल समाप्त की। पार्टी का क्या उद्देश्य था पैदल यात्रा करने? पार्टी का यह उद्देश्य था, जो 4.5 साल से जुमलेबाजी की सरकार योगी आदित्यनाथ ने हर वर्ष 13 लाख नौकरियां देने का नौजवानों से जो वादा किया था, इन 4.5 सालों में 4.5 नौकरियां भी योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं दे पाई।